वो सनातन भारत का आईना है। बड़ा कुशलता के साथ और रात को सारा का सारा बोधि की समरी हम सबके सामने रोज लिखते हैं। उसकी विशिष्टताओं का, धोती कुर्ता पहने हुए सामान्य सा दिखने वाला और अपने आप को दीनदयाल कह रहा है, उसकी कर्मशीलता का, बड़े मेधावी छात्र थे, उसके समाज शास्त्र का, समाज के सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने की उनके मन में ललक थी, उसकी विविधता को एक रूपता में पिरोने वाला सूत्र है एकात्म मानव दर्शन। गुरु जी ने कहा, मेरा संदेश है कि संभाल के जाना। 11 फरवरी 1968 को वज्राघात हुआ। किसी प्रकार के षड्यंत्र के वे शिकार हुए हों। जाने से पहले वो देश को दे गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने लगा था। घंटे दो घंटे उन्होंने सारे गांव के लोगों को सम्मोहित रखा और वो नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्र था। ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश को बोध कराया अपने ही दर्शन का। इस प्रकार की पारदर्शिता आचरण में जैसा विचार है वैसा आचरण। हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं भारत के अपने दर्शन से, यानी एकात्म मानव दर्शन से।